मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने के बाद पुरइसरार तौर पर हलाक होने वाली खातून मरियम का ये मुकदमा जो है वो बहावलपुर के थाना चन्नी गोट में खातून के भाई की मुदय्यत में दर्ज कर लिया गया है। रेलवे पुलिस का कांस्टेबल मीर हसन और दो नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात भी शामिल की गई है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। शहरोज बताएगा इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक। देखिए जिशान, ये मिल्लत एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया था और इसमें मरियम नामी जो खातून है इस पर पहले तशद्दुद हुआ और फिर बाद में इसकी जो लाश है वो अहमदपुर शक्या के करीब चन्नीकोट का जो इलाका है वहां से मिली थी और पहले इस पर जो मुकदमा चन्नीकोट में दर्ज हुआ उसमें ये लिखा गया कि इत्तफाकिया मौत जो करार दी गई, लेकिन जैसे ही बाद में फुटेज सामने आई तो एकदम से जो स्टोरी है वो तब्दील हो गई और ये देखा गया कि एहलकार जो है वो खातून पर तशद्दुद कर रहा है। देखिए ये किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि मर्द एहलकार किसी भी खातून पर जो है वो तशद्दुद करें। ट्रेन के अंदर कोई खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी, अगर उसका कोई अगर उस पर टिकट नहीं थी या ऐसा कोई मामला नहीं था तो उसको जो है वो उससे बातचीत की जा सकती थी, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर तशद्दुद हुआ। अब ये है कि जो थाना चन्नीकोट है वहां पर इस खातून के जो भाई की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है जो 302 के तहत है और ये मीर हसन जो कांस्टेबल है इसके और दो नामालूम अफराद के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। अब एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि अब ये बात फैलाई जा रही है कि खातून का जो ज़हनी तवाज़ुन था ये दुरुस्त नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। निशान, मैं खुद जड़ावाला गया हूँ वहाँ में, जो मैंने किया इनके हमसायों से भी मैंने बात की है तो सबका यही कहना था कि खातून बिल्कुल ठीक है और ये पहली बार फैसलाबाद नहीं आ रही थी, हालांकि ये वहाँ पर कराची में जॉब करती है, ब्यूटी पार्लर का ये काम करती है तो अपने वालिद से जो है मिलने आ रही थी तो इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब जो इसके चले पुलिस इस तमाम तर मामले पर तहकीकात कर रही है, अब देखना यह है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो असल वजूहात है वो आ जाएंगी। शहरोज इबाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। शहरोज आपका बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।